नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका कृषि जागरण यूट्यूब चैनल में आज हम चर्चा करेंगे एक गाय की जो कि प्रतिदिन 12 लीटर से भी अधिक दूध देती है भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है यह बात किसी से छिपी नहीं है भारत में दूध उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है इसी का नतीजा है कि आज विश्व बाज़ार में भारतीय दूध अपनी एक अलग पहचान रखता है दूध उत्पादन में भैंस और गाय दोनों ही मुख्य पशु हैं लेकिन गाय के दूध को स्वास्थ्य के नज़रिए से उत्तम माना जाता है भारत में कई प्रकार की गाय पाई जाती हैं लेकिन इनमें से गिर गाय अपनी एक अलग पहचान रखती है यह एक ऐसी नस्ल है जो कि अधिक दूध उत्पादन के साथ साथ इसके बछड़े भी अच्छे होते हैं आज हम जिस नस्ल के बारे में बताने वाले हैं इस गाय का जन्म स्थान गुजरात है लेकिन इसको देश के कई राज्यों में पाला जाता है गिर गाय भारतीय नस्ल की गाय है इस गाय को अधिक दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है डेयरी उद्योग के लिए यह गाय बहुत अच्छी होती है गिर स्वदेशी पशुओं में सबसे अच्छी और दुधारू नस्ल है इसको अनेक नाम से बुलाया जाता है जैसे कि भोडली देसन गुजराती काठियावाड़ी खोजी और सुरती आदि यह गाय नस्ल के प्रजनन क्षेत्र गुजरात के अमरेली भावनगर जूनागढ़ और राजकोट जिले शामिल हैं इसका नाम गिर जंगल क्षेत्र के नाम पर रखा गया है इस नस्ल की उत्पत्ति गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में हुई है गिर नस्ल के सांड भारी भरकम सामान भी आसानी से ढो सकते हैं इसकी अनेक योग्यताओं के कारण इस नस्ल के जानवरों को ब्राज़ील अमेरिका वेनेजुएला और मैक्सिको जैसे देशों में भेजा जाता है इसे वहाँ सफलतापूर्वक विकसित किया जा रहा है यह गाय एक ब्यात में पाँच हज़ार लीटर तक दूध देती है इस गाय का जीवन काल बारह से पंद्रह साल तक का है यह अपने जीवन काल में छः से बारह बच्चे पैदा कर सकती है गिर गाय का वजन लगभग 400 से 475 किलोग्राम और बैल का वज़न साढ़े पाँच से साढ़े छः किलोग्राम तक हो सकता है इनका रंग सफ़ेद लाल और हल्का चॉकलेटी होता है इनके कान लंबे और लटकने वाले होते हैं उनकी त्वचा हल्के चमकदार बाल बहुत ही ढीले और लचीले होते हैं गिर गाय की आंखें काले रंग की होती हैं वे अपनी पलकों को बंद कर सकते हैं ताकि कीड़े उन्हें परेशान न कर सकें उनके आँख क्षेत्र के आसपास ढीली त्वचा है इस नस्ल की गाय का स्वभाव बहुत ही सरल होता है ये मनुष्य के साथ प्यार करते हैं वे अपने सिर के चारों ओर पीछे के पैरों के बीच ब्रश और खरोच करना पसंद करते हैं ये बहुत विनम्र पशु होते हैं वे गुजरात राज्य में दक्षिण पश्चिम भारत में उत्पन्न हुए अब यह नस्ल महाराष्ट्र और राजस्थान में भी पाई जाती है नस्ल प्रजनन कार्यक्रमों की कमी और पश्चिमी देशों के लिए अधिक सामान्य नस्लों के साथ तर्कहीन क्रॉस ब्रीडिंग के कारण गिर नस्ल विलुप्त होने के कगार पर है यह गाय विभिन्न जलवायु के लिए अनुकूलित होती है और यह गर्म स्थानों पर भी आसानी से रह सकती है भारत में गिर गाय का औसत दूध उत्पादन 2110 लीटर है यह गाय प्रतिदिन 12 लीटर से अधिक दूध देती है इसके दूध में 4.5 फीसदी वसा की मात्रा होती है ब्राज़ील में बासठ लीटर प्रतिदिन के हिसाब से इस गाय का दूध रिकॉर्ड किया गया है जिसमें बावन प्रकार के पोषक तत्व तो शामिल हैं गिर गाय के दूध को एटू दूध के रूप में वर्गीकृत किया गया है इसके इस्तेमाल से बच्चों में हृदय संबंधी बीमारी मधुमेह आदि बीमारी में कमी देखी गई है गाय के दूध में दो प्रमुख प्रोटीन होते हैं कैसिन्स और वे प्रोटीन होते हैं इसके दूध में चार दशमलव पाँच प्रतिशत फैट की मात्रा होती है एवन और ए टू वेरियंट्स एक अमीनो एसिड्स अलग से होते हैं एवन में हिस्टिडीन और ए टू में प्रोलीन होते हैं भारत में शुद्ध देशी नस्लों के गायब हो जाने से कुछ क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम भी गायब होने के कगार पर हैं गिर गाय भारत की सबसे पुरानी देशी गाय है और इसके दूध से हमें शुद्ध घी मिलता है गिर गाय बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देती है और आपकी आवाज़ को नरम और स्पष्ट बनाती है इसमें ओमेगा थ्री के साथ ए टू ई और डी शामिल हैं गिर गाय का दूध टूटी हुई हड्डी का इलाज करने में भी सक्षम है यह अनिद्रा को ठीक करता है ज्वाइंट मसाज के लिए सबसे अच्छा होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो मोटापे से ग्रस्त हैं इसका दूध किडनी के लिए लाभदायक होता है इस नस्ल की गाय की कीमत भारत में पचास हज़ार से लेकर एक लाख तक होती है इन गायों की कीमत उनके आयु दूध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है गिर गाय की नस्ल देश में बहुत कम है गिर गाय ब्रिडर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार इस नस्ल की संख्या गुजरात राज्य में मात्र बीस हज़ार के आसपास है जिसमें कि दुधारू पशु सिर्फ नौ हज़ार से अधिक हैं यह एक चिंता का विषय है इस नस्ल के प्रजनन को बढ़ाने की आवश्यकता है धन्यवाद